कश्मीर के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बनाई स्पेशल ऑपरेशन टीम, ये जानकारी मिल रही है। और इस स्पेशल टीम में कौन कौन है ये भी आपको बता दें, स्पेशल टीम में आईबी, एनआईए, सीआरपीएफ और आर्मी के ऑफिसर्स शामिल हैं। स्पेशल ऑपरेशन टीम ने आतंकियों को ठिकाने लगाना शुरू किया। बड़ा ऑपरेशन लग रहा है शुरू हो चुका है। सेना के साथ मिलकर स्पेशल टीम ने 9 दिनों में 13 आतंकियों को किया है ढेर। स्पेशल टीम आतंकियों को खोज कर ठिकाने लगा रही है। आम लोगों की हत्या में शामिल आतंकियों का खात्मा करने में ये स्पेशल टीम जुट गई है। और हमारे साथ फैजुल्ला खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, देखिए पाकिस्तान की करतूतें बेपर्दा हो चुकी हैं, आतंकवाद के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आज जम्मू कश्मीर में जो हालात खराब किए जा रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तान है, ये साफ हो चुका है। अब भी वक्त है, क्या सुधरेगा पाकिस्तान या दूसरी स्ट्राइक के इंतजार में, ये सीधा सवाल है। समीर साहब, देखिए जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है तो वहां कोई पाकिस्तानी नहीं है। अभी सैयद अली गिलानी की जब मैयत हुई तो देखिए आपने उनकी मैयत के साथ क्या किया, आपने उस पर सेना का पहरा बिठा दिया। वहां जब लोग जिनको आप आतंकवादी कहते हैं जब वो आपके साथ मुकाबलों में मारे जाते हैं तो उनके जनाजों में वहां पर हजारों लोग शिरकत करते हैं, तो क्या ये सारे लोग पाकिस्तान के बॉर्डर से आते हैं? अरे भाई, सीधा मैसेज दिया जा रहा है, आप समझते क्यों नहीं है? देश के साथ जो गद्दारी करेगा उसके साथ यही सलूक होगा। पाकिस्तान के इशारे पर, देखिए पाकिस्तान के कहने पर यहां बैठकर, हिंदुस्तान में बैठकर जो लोग एजेंडा चलाएंगे और जो देश के साथ गद्दारी करेंगे उनसे क्या उम्मीद की जाए और उनके साथ क्या होना चाहिए, ये उम्मीद आप कर सकते हैं? देखिए जी, खास समीर साहब, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आप साहब को बड़ा वैसी से पहले तक आप लोग के चैनल्स पे वो भी गद्दार थे। देखिए सैयद अली गिलानी आपके नजदीक गद्दार होंगे, कश्मीरियों के नजदीक वो हीरो हैं जिन्होंने उनकी आजादी की। हाँ, तो आपके लिए तो बुरहान वानी भी हीरो है, आपके लिए तो बुरहान वानी भी हीरो है, आपके लिए तो ओसामा बिन लादेन भी हीरो है, यही तो है आपके मुल्क का कैरेक्टर जिसके बारे में आज पूरी दुनिया में बात हो रही है। भाई देखिए आप ओके बैट कश्मीर में देखिए कि भारतीय सेना लोगों के साथ क्या कर रही है, आप इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स देख लें इसके ऊपर, आप पाकिस्तान के ऊपर ना जाएं, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल को देखिए, देखिए वहां जो कुछ हो रहा है। यही वजह है ना, आर्टिकल 370 जब हटाया जाता है गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई होती है और पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले लोग जेल में नजर आते हैं तो फिर बौखलाहट होती है, यही तो है ना। देखिए जो हजारों, नहीं देखिए जो हजारों लोग जनाजों पे निकलते हैं ये सब गद्दार हैं क्या? आप इन सबको मार दीजिए ना, आपने क्यों जिंदा रखा हुआ है? आप ऐसा कीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, कश्मीर में किसी को भी जिंदा नहीं रहने दीजिए, फिर वहां पे वहां के पहाड़ों पर वादियों पर आपकी हुकूमत होगी, मतलब इसमें क्या परेशानी की बात? आप किसी इंसान को अपने हक के लिए प्रोपेगेंडा पुराना हो गया, इसीलिए अब आतंकवादियों को आगे कर दिया गया, दहशत गर्दों को यह मैसेज दे दिया गया है, बस किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में हालात खराब करो, फिजा अच्छी नहीं रहनी चाहिए, यह मैसेज जो है वो साफ नजर आ रहा है पाकिस्तान में आतंक के आकाओं की तरफ से जो दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। हरपाल सिंह बेदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय सागर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।